सिंह राशि लियोज, लेट्स सी कि आपके लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, क्या सब लेके आ रहा है दिसंबर 2023 आपके लिए। लेट्स सी सिंह राशि। तो चैनल पे इस साल मैंने कोई रीडिंग नहीं की, बट फाइनली दिसंबर अब आखिरी महीने की रीडिंग मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि कैसा सब कुछ हो सकता है सिंह राशि के लिए दिसंबर 2023। वी हैव गो द डिस्टेंस नंबर 47, रीजनरेशन एंड मैंडिंग। वाओ, 77 की एनर्जी है, काफी स्पिरिचुअल आप लोग रहेंगे या आप काफी स्पिरिचुअल लोग हो सकते हो सिंह राशि यहाँ पे, कि आप किसी भगवान में, किसी देवता में, अल्लाह में या स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास रखते हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो या कोशिश करते हो पॉजिटिव रहने की स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। नंबर 47, 11 या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 46 या 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 52 या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 49 नंबर, 13 या 4 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, अक्टूबर का महीना, मई का महीना, अप्रैल का महीना या सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट रहा हो आपके लिए किसी भी तरीके से पॉसिबल है। सो सिंह राशि, यहाँ पे जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहे हैं वो ये कि रीसेंट पास में आपने कुछ अचीव किया है, कोई सक्सेस देखी है अपनी लाइफ में, जैसे आपका कोई गोल था, आप बहुत लंबे समय से उस पर मेहनत कर रहे थे कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, एंड फाइनली आपने उस चीज को पा लिया हो, जैसे फाइनली आप उस ग्रोथ, उस सक्सेस को देख पाए हो कि यस मुझे ये चाहिए था एंड मैंने मेहनत की, मैंने वेट किया, पेशेंस के साथ इस चीज पे काम किया और देखो मुझे ये मंजिल मिल गई। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा करियर में, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो तो मे बी कोई डिग्री मिली हो आपको रिसेंटली, और लव लाइफ में हो सकता है, वॉट एवर, किसी भी तरीके की जिस पे आपने काम किया, मेहनत की, वेट किया, पेशेंस रखा और फिर आपने उसे अचीव किया हो। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि या तो आप में से काफ़ी लोगों के यूनियन हुए हैं या मे बी आपने अपनी लाइफ में एक नई क्रिएटिविटी ऐड की है, कुछ नया करने की कोशिश की है, जैसे आप सब कुछ ख़त्म हो गया था, लाइफ एकदम बर्बाद हो गई थी, जो लोग थे आपके अच्छे वो छोड़ के चले गए थे, आपके कोई लव वंस जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे हों, कुछ बदला आपकी लाइफ में, कोई चेंज आपकी लाइफ में आया है और उसके बाद फिर आप दोबारा खड़े हो रहे हो अपने पैरों पे, मे बी कोई रिश्ता था ख़त्म हो गया, दोबारा से उनमें बातचीत शुरू हो रही है, दोबारा से पेड़ पौधे जो हैं वो सूखे हुए फिर से लहलहाने को तैयार हो रहे हैं, तैयार ही हो रहे हैं, अभी लहलहाए नहीं है, वो प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में बिल्कुल वो लहलहाएंगे, ठीक है, लहलहाएंगे, अजीब वर्ड लग रहा है बट पता नहीं मेरे मन में आ रहा है, यही बोलते हैं शायद, लहराना, ठीक है। सो मेंडिंग का कार्ड जो है वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आने वाले टाइम में या तो आप किसी को फॉरगिव करोगे, माफ करोगे उसकी गलतियों के लिए, या आप अपने आप को माफ करोगे अपनी गलतियों के लिए कि आपने कुछ सिचुएशन में सही तरीके से डील नहीं किया, सही तरीके से चीजों को हैंडल नहीं किया, तो वहां पे कोई माफी या तो मांगी जाएगी आपसे या आप खुद को माफ करोगे या आप किसी को माफ करोगे। जो आप अभी देख रहे हो कि सिचुएशन थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई है पर पूरी तरीके से नहीं, तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को माफ करें, आप एक सेकंड चांस लें जिंदगी में, आप लोगों के साथ जुड़े रहें, उन लोगों के साथ जो आपके लिए अच्छे हैं, उन लोगों के साथ जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो आप करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखो सिंह राशि, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन आपको, मतलब आप उन लोगों को माफ करके, जरूरी नहीं है कि उन लोगों के साथ होना चाहते हो, आप उन लोगों को माफ करके उनको एक चांस नहीं देना चाहते बल्कि अपने आप को हीलिंग देना चाहते हो, अपने आप को उन आर्ग्यूमेंट से खत्म करना चाहते हो। सो हो सकता है कि कुछ पास्ट की हर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप खत्म करो, अनवांटेड बर्डन रिलीज कर दो और फिर से जो है वो पेन मेमोरीज जो हैं आपकी उनसे निकल पाओ इस पर्टिकुलर मंथ में। किसी के साथ दोबारा आकर के आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, उसको हमेशा के लिए माफ करके, उसकी एनर्जी को रिलीज करके, अपने आप को फ्री करके भी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सिंह राशि, बट आप निकल रहे हो उस पेन, उस तकलीफ से, उस पास्ट से जो आपको मिला।
लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या सब हो रहा है. वी हैव नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार, टेम्परेंस, हर्मिट, एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स और सिक्स ऑफ कप्स. बहुत सुंदर एनर्जी है. दिसंबर 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि. अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ में या तो कोई नया पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, इसीलिए आप पुराने जो भी सिचुएशन थे, पुराने जो एक्सपीरियंसेस थे, उनसे फाइनली निकल रहे हो, फ्री हो रहे हो. या आप अपने पार्टनर को दोबारा से जो आप चाहते, अगर आप चाहते हो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, तो वो भी हो सकता है. किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे. कोई पर्सन जो आपके लिए बनाया गया है, जो आपका पार्टनर है, डिवाइन पार्टनर है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, मेच्योर हो सकता है, वो पर्सन आपको मिलने वाला है. मे बी आप आगे चल के इससे शादी करें, मे बी ये पर्सन आपका लव पार्टनर हो जिससे आपका यूनियन हो रहा है. वर्क प्लेस पे थोड़े से इश्यूज उठेंगे सिंह राशि, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. आपको अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी पड़ेगी कि कौन आपसे कब किस तरीके से बात कर सकता है, किस तरीके से आपके साथ जो है आ सकता है, और कितना आपकी काम में दखल अंदाजी कर सकता है. अदरवाइज आपको इश्यूज हो सकते हैं, किसी किसी के साथ आपका डिस्टरबेंस हो सकता है, कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, कोई आपके काम में दखलअंदाजी कर सकता है, ये सब. तो उसके लिए आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी. ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी, बट आपको तकलीफ होगी उन चीज़ों से. हालांकि आप हील भी कर लोगे उन चीज़ों से, तो आप पहले ही एक बाउंड्री बना के चलो. आपको किसको कितना मौका देना है, बहुत ज़्यादा झुक के मत रहो, क्योंकि फिर लोग आप पे हावी हो जाएंगे. वरना पैसे से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ. अच्छा, दिसंबर का महीना आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ ही लेके आ रहा है. थोड़ा सा डिले है ये ग्रोथ, तो हो सकता है बिगनिंग में आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे यू विल मतलब आप इस चीज़ को मानोगे कि हाँ, मेरे पास पैसा आ रहा है. नेक्स्ट, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ, तो पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल एवरेज सी एनर्जी दिख रही है. आप जिद करोगे, अपने काम बनवाओगे, फिर अकेले हो जाओगे, काम करो. मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा और गेट टुगेदर नहीं दिख रहे आपकी पर्सनल लाइफ में सिंह राशि. एक अकेलापन दिख रहा है, या आप कोशिश करोगे कि मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे अपनी एनर्जी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बजाय कि मैं लोगों के साथ दिमाग लगाऊं. तो दिसंबर के महीने में पर्सनल लाइफ में मुझे आप और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो, कोई चार लोग आपकी फैमिली के नहीं दिखाई दे रहे आपके आसपास. और आपने ये खुद ने चूज किया है. ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो. अगर हम बात करें आपकी ओवरऑल एनर्जी की, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है. कोई मैसेज, प्रपोजल, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है. कोई फादर फिगर से आपको कोई ब्लेसिंग या गिफ्ट मिल सकता है, और मे बी आपके लिए शुगर डैडी या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो डिवोर्सी है, या ऑलरेडी किसी का पार्टनर रहा है पहले, या शादीशुदा हो, ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है. आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है मुझे. ऐसा कुछ हेल्थ में इश्यूज नहीं दिख रहे. नई अपॉर्चुनिटीज, मैरिज प्रपोजल, कोई नया पार्टनर, ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है इस रीडिंग में, क्योंकि लवर्स भी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है. आपका डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर आपको मिल रहा है सिंह राशि यहाँ पे. एंड आउटकम भी बहुत सुंदर होगा. मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के वाइब्स दिख रहे हैं, बट ये किसी के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है. लेट्स सी, बट जो कुछ भी है सुंदर है. आपके वर्क प्लेस पे थोड़े से इश्यूज रहेंगे, या पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा अकेला फील करोगे, बाकी सब जगह सब परफेक्ट है.
लेट इट गो, दिस सिचुएशन इज नो लॉन्गर सर्व यू, अलाउ मी टू सर्व योर एनर्जी कनेक्शन टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर. तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करने को कहा जा रहा है. मे बी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा सिंह राशि. आपको अपने अंदर की लाइट जो है वो डिवाइन एनर्जीज जो है उसको जागृत करना पड़ेगा ताकि आप ये समझ सको कि जो चीजें चली गई हैं उन्हें आप जाने दो. अपने पास्ट को खुद को होल्ड मत करने दो. मे बी आपकी लाइफ के आधे इश्यू सिंह राशि इसीलिए है कि आप अपने पास्ट पे बहुत फोकस करते हो. तो आपकी लाइफ में जो पर्सन है या आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपकी तरफ, इनके साथ आप जुड़ें और अपने पास्ट को आप लेट गो कर दें. अगर आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करते हैं तो आप परेशान होंगे. ठीक है, तो यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को लेट गो करें और फ्यूचर की तरफ देखें. ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर, प्रोस्पैरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश, सर्व काउ फॉर गुड फॉर्चून. तो आप में से काफी लोगों को फाइनेंसिस या प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस मिलने वाली है दिसंबर के महीने में. सॉरी, नवंबर बोल रही हूँ, मे बी नवंबर में भी मिली हो काफी लोगों को. कोई मदर फिगर से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है. मे बी आपकी मदर हो या कोई ऐसी फीमेल हो जो कि मदर एनर्जी में हो, आपका बहुत ध्यान रखती हो, आपके लिए माँ जैसा रोल प्ले करती हो, उनकी तरफ से. और आपके कोई गोल भी अकम्प्लिश होंगे जो आप चाहते थे, फाइनली आपको वो भी रिसीव होगा. सो लेट्स सी कि सिंह राशि के लिए गाइडेंस क्या है. स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन. सो यस, आपको चेंज की जरूरत है सिंह राशि. अगर आप पुरानी चीजों में अटके रहोगे, पहले की तरह कैसे रहते थे, पहले कैसे करते थे, वही सब सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. यू वॉन्ट ए रिवॉल्यूशन. आपको एक नए चेंज की जरूरत है. आपको अपनी बात रखने की जरूरत है, आपको बातें समझने की जरूरत है, आपको सही गलत का फर्क समझने की जरूरत है और आने देना है, जो रिसीव करने की जरूरत है, जो चीजें आ रही हैं, जो चेंज आपकी तरफ आ रहा है उसको रिसीव करने की जरूरत है. सो ये मैसेज आपके लिए है नंबर 9, 18, 28, 10. नवंबर दिसंबर का महीना और अक्टूबर का महीना सिग्निफिकेंट रहा हो आपके लिए, पॉसिबिलिटीज है. सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय.